हाय, मैं हूँ आनंद पवन। मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था, जिसमें से बहुत सारे अकाउंट्स मैंने प्राइवेट देखे, सिक्योर लॉक्ड लगा हुआ। पर आपको भी कभी ना कभी ऐसे जोक्स पढ़ने को मिले होंगे, आखिर लड़कियाँ अपना प्रोफाइल लॉक करके क्यों रखती है। तो यूं ही पढ़ते पढ़ते एक पोस्ट दिखी जो इसी के बारे में, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो इसे लिखा है सारिका गैंगवार ने। वो लिखती है इस बारे में, आखिर एक महिला फेसबुक पर प्रोफाइल लॉक क्यों रखती है? स्त्री की लिखी सार्वभौमिक समस्या क्या है? वो इस बारे में लिखते हैं इनबॉक्स में, हाय, हेलो, कहाँ से हो, कैसी हो, लव यू, मुझसे बात क्यों नहीं करती, मुझसे दोस्ती करोगी? ये समस्याएं सार्वभौमिक है, हर स्त्री की समस्या है। मानसिकता का स्वस्थ होना और विकृत होना से संस्कारों पर है। इनबॉक्स बना ही है बात करने के लिए, पर बात किससे करें, ये सोचने वाली बात है। बात करने लायक कोई बात भी तो हो, और बात करने योग्य कोई व्यक्ति भी हो, बात करने योग्य मध्य कोई विषय भी तो हो। आप बहुत अच्छा दिखती है, आप बहुत अच्छा दिखती है, मैं आपका फैन हूँ, आपके विचारों से मेरा जीवन बदल रहा है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ही प्रेम है। फेसबुक पर एक विचारक, लेखक और कवि को इसके सिवा क्या कहा जा सकता है? और ये बातें आराम से सार्वजनिक तौर पर कही जा सकती है, सहज रूप से। पर ये बातें इनबॉक्स में स्त्री को कहने की चाह इन बातों की गरिमा को खो देती है। अधिकांश लोग वासनात्मक रूप लेकर के स्त्री को रोक कर लेते हैं और एक भविष्य की संभावना को तलाशने की चाह स्त्री के इनबॉक्स तक ले आती है। ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं करता, सब करते हैं, पर वहाँ एक सहमति होती है, जबरदस्ती नहीं। बहुत पुरुष इस मामले में विकृत होते जा रहे हैं, वो हर दूसरी महिला के इनबॉक्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, पर वो अपनी ऊर्जा को इस ओर नहीं बहाते कि वो बात करने योग्य बने। आज की जनरेशन की सचमुच यही प्रॉब्लम है कि स्त्री खुद के इनबॉक्स में दस्तक दे, कि स्त्री खुद उनके इनबॉक्स में दस्तक दे। मेरी बहुत सी फेसबुक महिला मित्रों की भी यही शिकायत रहती है, क्या हो गया है आदमी को, वो क्यों बेचैन है? इसके विपरीत ऊर्जा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, यह मानवीय है, पर इसे हम धैर्यवान होकर संस्कारों से ढक कर सभ्यता तक चले तो समाज में स्त्री पुरुष संबंध मजबूत होगा। मित्र हो, सब कुछ हो, मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। ये विचारों का मंच है, विचारों से जुड़ना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत रूप से और शरीर से। शरीर सभी स्त्रियों का अपनी अपनी उपलब्धि है, किसी को कोई जरूरत नहीं, और किसी को जरूरत होगी तो वो आपसे जरूर संपर्क करेगी। इसलिए ये छिछोरापन करने से हर किसी को बचना चाहिए, और सभी को चाहिए कि उन्हें उत्साहित और उनकी अभिव्यक्ति पर ही गौर करना चाहिए। कुछ लोग के छिछोरेपन के कारण सभी लोगों पर उंगली उठने लगती है, क्या गलत है इस पर विचार करें। बहुत ही अच्छी थॉट इन्होंने शेयर की है, जो कि बिल्कुल 100% सही है, और मैं इसके साथ में एग्री करता हूँ कि इन्होंने जो
समस्याएं की है, ये बिल्कुल जेन्युइन। तो हमें चाहिए कि हम इस काबिल बने कि हमें उनके पास नहीं, वो खुद आए हमारे पास, और जो योग्य हो। मुझे ये पोस्ट बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो मुझे देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।